नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने ही जिलाध्यक्ष को बदलने का फैसला ले ही लिया। कई वर्षों से कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर कोई फेरबदल नहीं हुआ था। वहीं कल कांग्रेस के आलाकमान ने जिलाध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा की जगह विठल दास मीणा को अध्यक्ष पद सौंपा। इस फेरबदल के बाद कांग्रेस जनों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस जनों ने विठल दास मीणा को फूल मालाओं से स्वागत किया एवं उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इसके साथ ही नवीन अध्यक्ष विठल दास मीणा ने कहा कि हमें किसी पद की लालसा नहीं। सभी कांग्रेसी ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र सविदेव आगे की ओर अग्रसर रहे। देखो, मैं तो पिछली बार भी 15 साल लगातार से महाराष्ट्र सिंधिया ने बमोरी ब्लॉक का अध्यक्ष बना रखा था और हम लोग गुना के हों चाहे बमोरी के हों, हमें अध्यक्ष से उपाध्यक्ष और इनसे फर्क नहीं पड़ता। हमें महाराज का काम करना है और किसी भी तरह गुना में हमारी कांग्रेस पार्टी जीते, महाराज सिंधिया का हाथ मजबूत हो। हमारी एक इच्छा है, महाराज सिंधिया का हाथ चौतरफा से मजबूत हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने और सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, हमारी ऐसी इच्छा है। जिले के प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया अपने प्रवास पर गुना पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। यह पहली बार था जब जयवंत सिंह पवैया ने सिंधिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि इस बार सिंधिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही आगामी समय में होने जा रहे किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र से किसानों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसानों की स्थिति पहले से और भी बेहतर हो गई है। पवैया यहां नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को हाईजेक कर लिया जाएगा। कुछ तथाकथित किसान जो कि किसान नहीं होते हुए भी किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही पवैया ने कहा कि गुना की स्थिति पहले से और भी बेहतर हो गई है। अगर मैं गुना आऊँ और सिंधिया जी पर नहीं बोलूँ, उसके बिना भी काम चल रहा है। इस बार न बुलाई और आगे मौके आएंगे। अभी एक किसानों को आगाह करूँगा और सिर्फ किसानों को, मैं तथाकथित किसान, ये अरबपति जो गले में साफी डाल कर किसान बनना चाहते हैं उनको नहीं बोलूँगा। इस प्रदेश में एक षड्यंत्र अंदरूनी तौर पर ये चल रहा है कि किसानों के नाम पर फिर से आग लगाने की कोशिश। किसान जो वास्तव में किसान है, वो किसान तो आज मुख्यमंत्री जी के पास जाकर ये कहता है कि आपने इतना दे दिया जितना हमने सोचा नहीं। जो कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर नकाब पहनकर दूसरे के बैनर पर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, दूसरों को सुविधाएं मुहैया करा के आंदोलन का षड्यंत्र रच रही है, उस 2003 तक के मध्य प्रदेश का किसान और आज मध्य प्रदेश में किसान के हालात, इसकी तुलना कोई भी किसान कर लेगा, आंदोलन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो भी होगा, एक राजनीतिक प्रोपेगंडा होगा, एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण होगा। और अगर हमारा किसान सावधान रहा, ये आग लगाने के षड्यंत्र में नहीं फंसा, तो मैं मानता हूँ किसानों की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता मध्य प्रदेश। मेरा आरोप है कि विपक्ष इस तरह का पर्दे के पीछे से षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले दिनों में कोशिश कर रहा है आग लगाने की। गुना की दो बच्चियों को इटली की एक दंपत्ति ले रहे हैं गोद। समस्या पर है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे कोई भी दंपत्ति नहीं जो इन बच्चियों को गोद लेने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पैमानों पर खबरा उतरता हो। वहीं इस मौके पर जयवंत सिंह पवैया ने इटली से आए दंपत्ति को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि दोनों बच्चियों ने गोद लिया जा रहा है और दोनों भी जाने की इच्छुक हैं। यहाँ एक बात और संशय में डाल देती है कि भारत और इटली का कानून में काफ़ी अंतर है। यदि भविष्य में उन दोनों बच्चियों के साथ कोई अनहोनी घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसे यहाँ का प्रशासन उन बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? I am very happy because I love India and I am so proud. लेकिन इस युग में बाहर के लोग भी ढूंढते हैं और भारत के प्रति आकर्षण भी है, यहाँ के मनुष्यों के प्रति। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे प्रभार के जिले गुना में
अनाथ आश्रम में जिनका पालन पोषण हो रहा था, एक बच्ची अनमोल है, दूसरी बच्ची खुशी है, 7 और 8 वर्ष की आयु है दोनों बच्चों की, बहुत डायनामिक, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। तो इटली के एक दंपत्ति ने अपनी इच्छा जताई कि हम बालिकाओं का पालन पोषण करना चाहते हैं। वो गुना आए हैं, बच्चे भी उनके साथ जाने के लिए उत्सुक हैं, सहमत हैं। झूठ बोलते हैं जयवान सिंह पवैया, साथी करते हैं दोगला व्यवहार, यह कहना है अतिथि विद्वानों का। शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पवैया से मिलने के लिए अतिथि विद्वानों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा। उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए पवैया से बात की, जिसके पलटवार में पवैया ने उनसे कह दिया कि तुम 3,000 हो, हमारा क्या बिगाड़ दोगे। इसके बाद अतिथि विद्वानों ने सबके सामने खुली चेतावनी दे डाली और कहा कि यदि 7 दिवस के भीतर अतिथि विद्वानों को वापस नहीं बहाल किया गया तो या तो वह धर्मांतरण कर लेंगे या फिर इच्छा मृत्यु के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही अतिथि विद्वानों ने कहा कि हम 3,000 नहीं बल्कि 30 लाख हैं, क्योंकि युवाओं का एक बड़ा तबका इन अतिथि विद्वानों के साथ है जो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। साथ ही लोगों को जाकर यह बताया जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। बता दें कि कुछ समय पूर्व किए गए प्रदर्शन में अतिथि विद्वानों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आगामी समय में सरकार के अतिथि विद्वानों के आगे झुकती है या नहीं। कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम आज भी निराश थे, कल भी निराश थे, हम तो हमेशा निराश ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। वो तो चाहते हैं कि हम लोग बाहर हो जाए, बस हम लोग बेरोजगार हो जाए। हमने इतने साल शासन का, हमने सेवाएं की, बता हमारी क्या गलती थी कि हमने अपने अपने सबको छोड़ छाड़ के, हमने सब अपना इतने साल हमने मतलब मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्य हमने कार्य किया। हमने उनसे ये भी कहा कि देखिए हम आपको वोट देते हैं, हम आपके वोटर हैं, आपके मध्य प्रदेश के वोटर हैं, आपके वोटर को आप छोड़ते हो, आप दूसरे स्टेट के लोगों को आप अंदर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप तो 3,000 हो, 3,000 हमारे क्या, हम लोग क्या कर लेंगे। तो मतलब मध्य प्रदेश के ये लोग भी हम 3,000 हैं तो हम लोगों को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग ये कह रहे हैं तुम बेरोजगार हो जाओ, घर बैठो भूखे मरो। जी हमने कहा उनको उनको कह लिया आप जो आंदोलन करना चाहे जो करना चाहे करें। नहीं क्या एक्स्ट्रा नंबर दे रहे, 25 साल बाद हमें क्या मिल रहा है। 20 नंबर देंगे, क्या करना चाहते हैं। 200 नंबर है, 20 नंबर दे देंगे, उससे क्या होगा हम लोग। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, सारी बातें झूठी हैं, आप सबको झूठा बताइए। आमरण के टाइम भी उन्होंने बोला था अब आज पलट रहे हैं, हमने तो कोई बात ही नहीं की, हमने आपसे कोई बात नहीं, हमने ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया। आज अपनी बात से पलट रहे, हमारे पास सब कुछ वीडियोज है, आप देखिए। अरे हमारे मंत्री से, हमारे प्रदेश के मुखिया से हम ये मांग रहे हैं कि भाई हम आपसे इतना चाह रहे हैं, हम बेरोजगार ना हो, हमने इतने साल अपनी सेवाएं दी है, हमें कम से कम उसका फल तो दे दीजिए। हम क्या चाहते हैं, हम कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचाइए, हमारा अस्तित्व खतरे में है। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आने वाले समय में आप सुनवाई नहीं की, गवर्नमेंट नहीं मानती, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हमारी इच्छा मृत्यु चाहिए हमें। धर्मांतर का मुद्दा हम आपको सबको बताएं कि आप बस उनसे मिलने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मान सुनी हम पूरी पूरी सब आप धर्मांतरण की ओर जाएंगे, हम धर्मांतरण की ओर भी जाएंगे। 7 दिन के अंदर अंदर हम अपना इच्छा मृत्यु चाहते हैं, अगर आप हमारे लिए हमें जिंदगी नहीं दे सकते तो मौत दीजिए हमें। 7 दिन का टाइम है, बस 7 दिन के टाइम, या तो हमें जिंदगी दीजिए या फिर हम मौत आपके आपके हाथों में मौत भी पाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम 3,000 नहीं है संख्या में, हम लोग 3 से 3 लाख हैं और 3 से 30 लाख हैं। हमारे साथ पूरा यूथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से अभी पेपर में करंटली निकला था कि 50% लोग 18 से 40 वर्ष वाले हैं जो वोटर हैं इनके, और वो पूरा वोटर हमारा ही है। हम उनको कॉलेज में शिक्षा देते हैं, हम जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे उस दिशा में मोड़ देंगे। ये सरकार क्या समझती है अपने आप को, ये चाहती है कि हम 3,000 का कुछ नहीं करेंगे। हम इनकी सरकार को पलट के बता देंगे। आप हम इनको खुला चैलेंज देते हैं कि आप करिए, आप क्या करना चाहते हैं, हम करेंगे हमारे अनुसार, अगर आप नहीं करते हैं। हमने इनसे कोई नाजायज मांग नहीं रखी है। इनकी सरकार ने 2003 में, 5 में, 7 में तदर्थ नियुक्ति दी है। तदर्थ नियुक्ति द्वारा अंदर गवर्नमेंट के जितने भी तदर्थ वाले जो प्राध्यापक थे, एडहॉक पे काम कर रहे थे, जो आज हम सेवाएं दे रहे हैं ऐसे ही सेवाएं वो दे रहे थे, उन लोगों को जब विभागीय परीक्षा करके अंदर लिया तो हम लोगों को क्यों नहीं ले सकते।
हमारी मांग यही है कि पहले आप PSC को निरस्त कीजिए, हम लोगों को जितने भी कार्यरत अतिथि विद्वान हैं मध्य प्रदेश के अंदर उनको एक विभागीय परीक्षा के द्वारा अंदर कीजिए, और उसके बाद जो आपके शीर्ष पद बचते हैं उसको आप UC के माध्यम से जैसे भी आप चाहते हैं उसको PSC के द्वारा भरिएगा। अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम इच्छा मृत्यु भी करेंगे, और हमारा पूरा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली डला है, 7 सदस्यीय, 5 सदस्यीय प्रदेश स्तर पर है, वो अलग अलग धर्मों के अनुयायियों से संपर्क में है, जो हमें रोजगार की सेवा देगा, हमारे रोजगार को करेगा, हम उस धर्म को अपनाने के लिए सहर्ष स्वीकार है, हमारा परिवार सहित और मध्य प्रदेश के 500 नहीं 5000 जितने भी हमारे अतिथि विद्वान हैं, हम पूरा धर्म अंतर करेंगे और इस सरकार को बता देंगे कि धर्मांतरण क्या होता है और आपकी सरकार कैसे गिरती है। अभी आज उच्च शिक्षा मंत्री ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था मिलने के लिए, उसमें हमारा मंडल मिला, लेकिन वही उनकी अड़ियल रवैया, दोगलेपन वाली जो बात होती है सरकार के द्वारा की जाती है, या गलत बात का अनुसरण करना या गलत फेमी लगाना, ये बात उन्होंने करी है। उस संदर्भ में मंत्री जी से 3 बातें कहूँगा, ज़्यादा बात करने की इच्छा है नहीं उन लोगों से, क्योंकि इनकी क्या वो औकात, वोट हमारा हमने चुना और हमें ही नेतागिरी सिखा रही है, हमें बता रहे हैं दादागिरी। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि ऐसा नहीं हुआ भविष्य में घर घर जाकर के रोड शो करेंगे, घर घर जाकर के इनका हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे इनकी सरकार दुगलापन व्यवहार कर रही है, कैसे इनकी वो कर रही है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे पास में कई लोगों के, हमारे गुना जिले की टीम के पास में कई लोगों के कॉलेजों से धर्म परिवर्तन के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए एफिडेविट के तौर पर कई लोगों के पास मेरे पास सहमति आ चुकी है। यदि ये हमारी मांग 7 दिन में पूरी नहीं करते हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जिम्मेदार होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं युवा भारत उसका सपना, यह भारत को हमको गढ़ना है, वो भी झूठा है, दोगला है। दूसरे हमारे शिवराज सिंह सरकार, मैं आपका मामा हूँ, युवा पीढ़ी मेरी है, मैं पूछता हूँ कहाँ गई आपकी, ये बातें दोगली बातें हो। तीसरे हमारे पवैया जी जो हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी सच नहीं बोलते हैं। तीनों को मैं चेतावनी देता हूँ मंच के माध्यम से, अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो हमारी टीम आगामी आने वाले टाइम में हिंदू रक्षा मंच समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई है, उनके माध्यम से हम हमारी 230 विधानसभा सीटों पर टिकट लेकर के हम एक तीसरा स्तंभ खड़ा करेंगे, ना हमें कांग्रेस ना हमें BJP कुछ नहीं चाहिए, तीसरा स्तंभ खड़ा होगा, युवाओं का स्तंभ खड़ा होगा, जो युवाओं के अधिकार के लिए लड़ेगा, झूठ बोलने वालों के साथ हम कदापि नहीं जाएंगे। 7 दिन का समय मैं इन्हें देता हूँ मंच के माध्यम से, इनको करना है करें, नहीं करना है मेरी तरफ से चलें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज पेट्रोल पंप पर किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में आज सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर लोगों को यह बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल की कीमत 54 रुपये होती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से महंगाई इतनी चरम पर बढ़ गई है जिसको झेल पाना आम आदमी के बस में नहीं। आज इसी के चलते यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी हिटलर साईं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पेट्रोल और डीजल का। शकवाता था आज वो 250 रुपये भीगा उसका खर्च हो चुका है, इसलिए मैं आपसे सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि हम वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में यह प्रमुख मुद्दा उठाया था कि महंगाई को कम करेंगे, इसके साथ ही 54 रुपये पेट्रोल को भी कम करेंगे, जबकि आज पेट्रोल के दाम 84 के पार हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द लोगों को महंगाई से निजात दिलाया नहीं गया तो आगामी 27 तारीख को जिले भर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देश भर में एक बड़ा जबरदस्त प्रचार किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो उनका विरोध था 58 रुपये का जब पेट्रोल और लगभग 52 रुपये का डीजल हुआ करता था, लेकिन आज ना तो मोदी जी को, ना अमित शाह जी को, ना भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने किसी भी जगह आँख झुकाने की नौबत आ रही है कि जब वो 84 रुपये लीटर पेट्रोल और 74 रुपये और 76 रुपये लीटर तक डीजल बिकवा रहे हैं, जनता में त्राही त्राही मची है किसी भी जगह, और ना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लोग साइकिल पे चलते देख रहे हैं, शायद उन्हें 50 रुपये 52 रुपये और 55 रुपये लीटर का पेट्रोल तो बहुत महंगा दिखता था, और 84 रुपये लीटर पे उनको भी किसी भी जगह बुरा नहीं लग रहा। आज कांग्रेस ने पूरे देश मध्य प्रदेश में और गुना जिले में हर क्षेत्र में पेट्रोल पंपों पे अपना विरोध प्रदर्शन किया है, इसके माध्यम से मांग की है
कि जब जो उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को अभी तक जंगी कमाई कराई है, हिंदुस्तान की सरकार ने 203% अधिक टैक्स लेकर के जो अरबों खरबों रुपए की कमाई की है, अब वो जनता को कुछ राहत दें जिससे कि जनता इस त्राही माम से बच सके, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज से आंदोलन प्रारंभ किया है, 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर और भी अधिक उग्र आंदोलन करेगी। शराब के नशे में युवकों ने किया उपद्रव। बताया जा रहा है कि युवक बीती रात शराब के नशे में नानेखेड़ी के मंडित स्थित खाने के होटल में झगड़ा कर रहा था, जिसे उस समय तो वहां से चलता कर दिया गया। इसके थोड़ी देर बाद ही युवक अपने साथ 20 से 25 लोगों को लेकर आया और जमकर पत्थर बरसाने लगा। इस पत्थरबाजी के चलते होटल वाले का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही में स्थित एक कबाड़ी की दुकान में रखी ऑटो के कांच भी टूट गए। अभी तक पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, वहीं मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम सतीश सटीक है। यहाँ एक व्यक्ति दारू पीकर भोजनालय पे लड़ाई दंगे करने लगा, मारपीट की, और हमने बीच बचाया किया तो हमें भी मारा पीटा और 25-30 लोगों को लेके आया, और हमारी ऑटो खड़ी थी उसमें ऑटो में भी तोड़ फोड़ की और हमें भी मारा पीटा। कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन 15-20 हज़ार रुपये का ऑटो में नुकसान है। गुना से चाइना बॉर्डर पर गया युवाओं को ग्रुप वापस आ गया। माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत चाइना बॉर्डर पर स्थित नाथुला दर्रा गए एक प्रतिनिधि मंडल वापस आ गया। इस प्रतिनिधि मंडल में गुना से 8 लोग गए थे। इनका यह सफर लगभग 8 दिन का था। वहाँ उन्होंने ये जाना कि किस तरह से हमारे सैनिक बॉर्डर की रक्षा करते हैं, साथ ही किस तरह की वहाँ की जीवन शैली होती है, इसको भी जाना। यहाँ से ये लोग रेल मार्ग और सड़क मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचे। करीब 8 दिन वहाँ बिताने के बाद ये युवा वापस आ गए और वहाँ से ढेर सारी अच्छी यादें भी लाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत नाथुला दर्रा जो कि चाइना बॉर्डर है वहाँ पे गए हुए थे। हमारा ये 8 से 10 दिन का टूर था। हम 15 तारीख को यहाँ से निकले हुए थे और 22 तारीख को यहाँ वापसी हुई है। यहाँ जाते समय हमने भोपाल में रुके थे। भोपाल में अपने तात्या टोपे स्टेडियम था, वहाँ पर हमें ड्रेसअप दी या हमको बताया गया कि कैसे क्या हमारी यात्रा है। वहाँ जाके हम सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल जी श्री श्रीनिवास पाटिल जी से मुलाकात हुई हमारी, उनके साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। उन्होंने हमें हमारी यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाई सिक्किम गैंगटॉक से। फिर हम हमारे प्रस्थान किया नाथुला दर्रा के लिए। वहाँ हम 14,000 फीट ऊँचाई पे पहुँच के हमने देखा, सेनानियों से मिले, बहुत बर्फ़बारी थी, बर्फ़ ही बर्फ़ के पहाड़ थे, उन्हीं में से हम पहाड़ों के बीच में से निकल के गए हुए थे। वहाँ हमने उनसे मिले, सेनानियों से जाना कि वहाँ वो कैसे रहते हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल दिखाया चाइना बॉर्डर की, एक सफ़ेद कलर की रस्सी खींची हुई थी, उस तरफ चाइना था, इस तरफ अपना भारत था। तो भारत में उन्होंने बताया कि अभी अगर चाइना वाले अगर उनसे मीटिंग करना चाहते हैं तो उधर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, तो वो अपनी बिल्डिंग में आके यहाँ मुलाकात करते हैं, और अगर अपन उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो अपन वहाँ जाते हैं, उनकी बिल्डिंग में मुलाकात होती है। वो लोग कोई ना अपनी हिंदी लैंग्वेज जानते हैं ना कोई इंग्लिश जानते हैं, उनकी अलग होती है। उन्होंने यही बताया कि कैसे वो रहते हैं, हमको पूरा बताया कि कहाँ से क्या है। आगे और बता रहे थे कि अपना डोकलाम विवाद था, वो सब उन्होंने डोकलाम वगैरह सब हमें पूरा घुमाया, तो हमारी यात्रा सफल बना। करीबन कितने लोग गए थे आप लोग? हम कुल 72 जने गए थे, पूरे मध्य प्रदेश से, 8 जिले से, अपने गुना से अपन 8 जने गए थे। यात्रा कैसे थी आपकी? हमारी यहाँ से ट्रेन तक थी जलपाईगुड़ी जंक्शन से, वहाँ से हमारी कार आई थी लेने हमें, और फिर पहाड़ियों से गए थे हम, फिर वहाँ से बस से हम वहाँ तक गए थे। करीबन कितने समय में पहुँचे थे आप लोग? हम 2 दिन 1-2 रात। ठीक है। दिल्ली बिल्डकॉन में काम कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया पुलिस आत्महत्या को मानते हुए कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि युवक का नाम विकास है,
जो कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर काम करता था। उसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। विकास अपने पिता के इलाज के लिए लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। वह 2 दिवस पूर्व भी काम पर वापस लौटा था। लौटने के बाद अचानक उसने आत्महत्या कर ली। अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार क्या वजह थी कि विकास ने आत्महत्या कर ली। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि विकास के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और परिजनों की माने तो यदि विकास के परिवार की तरफ से कोई दिक्कत होती तो वह गांव में ही आत्महत्या कर सकता था। वहीं विकास अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र बालक था, क्योंकि पिता का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। हालांकि दिल्ली बिल्डकॉन की तरफ से विकास के परिजनों को मुआवजा देने की बात भी कही गई है, पर मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। यह तो पुलिस की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि युवक ने आत्महत्या कर ली। साथ ही उस पर इतनी लंबी छुट्टी लेने का दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन खुलकर कोई भी बात बताने को तैयार नहीं। ये विकास सिंह है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में थे और ये परसों ही रात में आए थे अपने छुट्टी से, और कल रात की घटना है ये। कल ये ड्यूटी पे भी नहीं आए हैं और करीबन 12 बजे के आसपास की घटना है। उन्होंने खुदकुशी की है, फांसी लगाई है। उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने पुलिस कार्यालय में तुरंत दी है, जिसमें पुलिस मौके पर आई है और पुलिस ने अपने सामने इसको कमरे को सीज किया है, और सुबह पूरा निरीक्षण करते हुए बॉडी को उतारा है उन्होंने और पंचनामा भी बनाया है। बाकी अभी पीएम के लिए बॉडी जानी है, उसमें जो भी तब निकल के आएंगे उसके बाद क्लियर होगा। क्या आपको प्रथम दृष्टया क्या लगता है, क्या कैसा व्यवहार आचरण था उनका? विकास आपको कैसे पता चला और क्या पता चला आपको? हमको यहाँ से फोन गया था, पता पड़ा रात को 2 बजे। आपके कौन लगते हैं? भैया लगते भतीजा। तो ये कब यहाँ से, मतलब और भी कितने दिन पहले यहाँ से ड्यूटी, कितने दिन हो गए यहाँ करते हुए? ड्यूटी यही कर रहे थे, वो उनका एक्सीडेंट पिताजी का हुआ, साल से ऊपर हो गया तब यहाँ से चले गए थे। अच्छा अच्छा, घर से कब लौटे? तो कहाँ है मैम उनका घर? परसों आए हैं यहाँ, परसों रात में आए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इन्होंने ऐसी आदत अपनी? तो क्या बताएं हम, लालच के जब नौकरा करने ठंडी चलिए बोलत चलिए। धरनावता पुलिस ने पकड़ा 4000 का इनामी बदमाश। बता दें कि पारदी बदमाश को 2013 से पुलिस तलाश कर रही थी। इसके विरुद्ध धारा 307, 147, 148, 149, 294, 506 IPC की धाराओं में मामला पंजीबद्ध है। इस पारदी का नाम संजय पारदी पुत्र मनोहर पारदी बताया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, उसी पर कार्रवाई करते हुए संजय पारदी को गिरफ्तार किया गया। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।